बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो अध्याय 20 है यक्ष प्रश्न, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही, सभी बेहोश हो गए थे जलाशय के नज़दीक। तो युधिष्ठिर जी भी उसी जलाशय के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े थे। अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर जी विलाप करने लगे। अब अचेत थे, मृत थे, क्योंकि अचेत पहले बताया गया, मृत मतलब बेहोश हैं तो वो दुखी होंगे, उन्हें क्या पता। तो उन्होंने अपने भाइयों के शरीर को ध्यान से देखा, आसपास किसी शत्रु के पांव के निशान भी नहीं थे। वे सोचने लगे, यह तो कोई माया जाल है या फिर दुर्योधन जी की कोई नई चाल। उन्हें भी काफ़ी प्यास लगी थी, अतः वे भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरने लगे। तो इतने में उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी। युधिष्ठिर जी समझ गए कोई यक्ष बोल रहे हैं। वे रुक गए और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष जी ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी उनका उत्तर देते गए। तो शुरू करते हैं यक्ष जी के प्रश्नों को। मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ धैर्य देता है। यह उत्तर युधिष्ठिर जी के थे। मतलब ये ऐसे प्रश्न थे जैसे कह लो कि बड़े रीजनिंग स्किल के लिए बड़ी बड़ी बड़े बड़े साक्षात्कारों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ये बहुत काम का उत्तर है। भूमि से भारी चीज़ क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता माँ भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। आसमान से ऊंचा पिता है। हवा से भी तेज कौन चलता है? हमारा मन, कभी इधर कभी उधर। घास से भी तुच्छ चीज़ कौन सी होती है? घास से भी तुच्छ चीज़ चिंता। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं। ठीक है, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या, ज्ञान जो उसके पास है। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है जो उसने अच्छे कर्म किए थे। ठीक है, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? भूमि सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है, जो सब कुछ हमें देती भी है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। मतलब सुख उसे ही मिलता है जो शील, अच्छा, शांत और सच्चरित्र, सच्चे चरित्र वाला हो। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? अहम भाव अर्थात अहंकार छूट जाने पर। तो किस चीज़ को खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध। ठीक है, ये चीज़ खो जाने पर दुख नहीं होता, बड़ी अच्छी चीज़ है ये खोना। तो किस चीज़ को गवार कर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। लालच नहीं करेगा तो धनी बनेगा। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हर रोज़ कितने प्राणियों को आँखों से मरते हुए देखने के बाद भी यह सोचना कि हम अमर हो जाएं, यही महान आश्चर्य की बात है। एक सच्चा है ना, कड़वा सच है, फिर भी हम पागलों की तरह लगे रहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी उनका सही उत्तर देते गए। अंत में यक्ष बोले, राजन, मैं आपके चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। आप किस जिसे कहो वह जीवित हो जाएगा। मतलब वो बाकी चारों मृत थे। ठीक है, तो युधिष्ठिर जी बोले, मेरे छोटे भाई नकुल जी को जीवित कर दें। इस बात को सुनकर यक्ष जी उनके सामने प्रकट होकर बोले, तुमने चारों भाइयों में से नकुल को ही जीवित करने को क्यों कहा? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, यक्षराज, मैंने नकुल जी को इसलिए जीवित करना चाहा क्योंकि मेरे पिता की दो पत्नियों में से मैं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ। मतलब दो पत्नियाँ थी उनके पिताजी की। ठीक है, ये यक्ष जी बात कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि दो माएँ हैं, है ना, हमारे पिताजी की दो पत्नियाँ हैं, उनमें से एक का पुत्र मैं चाहता हूँ, माता माद्री, है ना, माद्री पुत्र कहा था ना उन्होंने, उनका भी एक पुत्र जीवित हो जाए। अतः कृपा नकुल जी को जीवित कर दें। यक्ष युधिष्ठिर जी की बातों से खुश हुए और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। देखा, युधिष्ठिर जी को यक्ष जी ने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है, अज्ञातवास में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, ऐसा कहकर धर्मदेव चले गए। ठीक है, इस तरह 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन जी ने इंद्रदेव जी से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम जी हनुमान जी से आलिंगन करके 10 गुनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे जब वो मिले थे उन्हें। तो धर्मदेव जी का आशीर्वाद मिल गया था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर जी के परिवारी जन ब्राह्मणों के साथ नगर लौट आए। 5 भाइयों ने आपस में सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिताने का निर्णय किया, क्योंकि 12 वर्ष वनवास था, मतलब वन में, और 1 वर्ष उन्हें अज्ञातवास में काटना था जिसमें उन्हें कोई पहचान ना पाए। तो धन्यवाद बच्चों, यह था 20वां अध्याय। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।